हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8C के पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। ये परमुटेशन चैप्टर से है, क्लास 11 के बच्चों के लिए, फ्रॉम RS अग्रवाल के बुक से। तो बच्चों, मैंने कल आप लोगों को 8C का पार्ट वन में मैक्सिमम सॉल्व बता दिया था। एक दो सॉल्व बचा हुआ था जो मैं आज पार्ट टू में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, एंजॉय द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, प्रूव दैट सिद्ध करना है 1+1 × 1p1 + 2 × 2p2 + 3 × 3p3 + …n (n)pn = (n+1pn+1। ये बच्चों आपको प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए मुझे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो लिखते हैं उसको LHS क्या है, 1+1 × 1p1 + 2 × 2p2 + 3 × 3p3 + …n (n)pn। ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है (n+1) (pn+1)। ठीक है, और दीजिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका 1 हो गया, प्लस 1 हो गया ये। अब 1p1 जैसे npn को हम लिखते हैं फैक्टोरियल n, लिखते ना बच्चों npn को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n। कैसे लिखते हैं, तो फैक्टोरियल npn का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r। तो n - n, तो फैक्टोरियल n हो गया, n - n क्या हो गया, 0 हो गया। और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 मान क्या होता है, 1। तो फैक्टोरियल n / 1 क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। इसलिए npn और n और r का मान दोनों समान रहे तो फैक्टोरियल n होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1p1 है तो ये फैक्टोरियल 1 होगा, 2p2 है तो ये फैक्टोरियल 2 होगा। कैसे होगा करके दिखा दिए, ये 3 लिखिए, 3p3 तो फैक्टोरियल 3 होगा, प्लस …, इस n को लिखिए बच्चों, और npn तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1, ध्यान रखिएगा, बोलिएगा नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है फैक्टोरियल 0 इक्वल टू कितना होता है, तो क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए, 1, ये जो आगे में 1 है, इस 1 को हम बच्चों लिखते हैं 2 - 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 - 1 तो 1 ही है, इंटू कितना, फैक्टोरियल 1। इस 2 को लिखते हैं बच्चों हम 3 - 1, इस 2 क्या लिखेंगे, 3 - 1, ये कितना है, फैक्टोरियल 2। ध्यान दीजिएगा, इस 3 को लिख रहे हैं बच्चों हम 4 - 1, 4 - 1 मतलब 3 ही होता है, फैक्टोरियल 3, प्लस …। इस n को लिख रहे हैं बच्चों किस तरह से, n + 1 और -1, को फर्क नहीं पड़ेगा, +1 - 1 कट जाएगा, वही रहेगा बच्चों, और बाहर में कितना है, इंटू फैक्टोरियल n। समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए इंटू कीजिए, ये 1 रहा बच्चों, 2 को फैक्टोरियल 1 से, तो 2 × फैक्टोरियल 1, 1 को फैक्टोरियल 1 से, तो हो गया आपका फैक्टोरियल 1 हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3 को फैक्टोरियल 2 से, 3 को फैक्टोरियल 2 से, 3 × फैक्टोरियल 2, 1 को फैक्टोरियल 2 से, तो आपका फैक्टोरियल 2, 4 को फैक्टोरियल 3 से, तो 4 × फैक्टोरियल 3, 1 को फैक्टोरियल 3 से, तो फैक्टोरियल 3 प्लस n प्लस 1 को फैक्टोरियल n से, ये बच्चों आपको आएगा n + 1 × फैक्टोरियल n, 1 को फैक्टोरियल n से, क्या होगा बच्चों, फैक्टोरियल n हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, चलिए ध्यान दीजिए। अब 1, ये देखिए 2 और फैक्टोरियल 1 बच्चों कल समझाए थे, जैसे फैक्टोरियल 3 है, मतलब क्या होता है, 3 2 1 3 2 1, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 × 2, है ना, 2 को तोड़ेंगे 2 × 1 आ जाएगा, मतलब 2 के बाद जस्ट 1 है, तो मतलब ये फैक्टोरियल 2 है आपका, फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। फिर ये क्या है, -1 लिख दिए बच्चों, 3 × 2 लगातार में है, और ठीक इसके जस्ट 3 के जस्ट बाद पहले वाला 2 है, मतलब ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 रहा बच्चों, 4 × 3 मतलब फैक्टोरियल 4 होगा, इसको भी तोड़ेंगे तो 4 3 2 1, ये भी तोड़ेंगे 4 3 2 1, बताब रहे हैं, माइनस ये कितना बच्चों, फैक्टोरियल 3 प्लस …,
एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, मतलब एन प्लस वन से इसके बाद जस्ट एक काम है, मतलब यही हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन प्लस वन और माइनस क्या बच्चों फैक्टोरियल एन, इस फैक्टोरियल एन को लिख दीजिए, एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन का मान ये हो गया, इसको तोड़िएगा तो यही वाला आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना भी साथ वाला देखिए बच्चों कौन कौन है, बोला वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर, जितना प्लस वाला इसको लिख देते हैं, ये कितना है फैक्टोरियल एन प्लस वन, ठीक है। चलिए यहाँ देते हैं सबसे ब्रैकेट माइनस दे दिए, अब देखिए माइनस वाला क्या है माइनस फैक्टोरियल वन, बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं, क्या होगा फैक्टोरियल वन होगा, माइनस फैक्टोरियल टू है तो माइनस कॉमन आ चुका है, क्या यहाँ पर होगा फैक्टोरियल टू हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा डॉट डॉट, या आपका फैक्टोरियल एन तक हो गया, ये कहाँ तक बच्चा फैक्टोरियल एन तक हो गया, ध्यान दीजिएगा प्लस फैक्टोरियल एन, गौर कीजिएगा ठीक है। आप देखिए वन है मैंने वन मतलब क्या इसको फैक्टोरियल वन भी आप लिख सकते हैं, वन लिखिए या फैक्टोरियल वन बहुत आपसे वन टू थ्री फोर लगातार जा रहा बच्चों, यहाँ देखिए वन है टू है थ्री है फोर लगातार जा रहा, तो एन प्लस वन से ठीक पहले आपका क्या हुआ होगा फैक्टोरियल एन होगा क्या, देखिए चार है तो यहाँ तीन है, तीन है तो यहाँ टू है तो यहाँ एक है, इसके ठीक वाला से एक कम है तो यहाँ एन प्लस वन है, इसके ठीक पहले वाला क्या होगा एक कम मैंने एन होगा। अब बात ये बच्चों देखिए वन से लेकर फैक्टोरियल एन तक, वन से लेकर फैक्टोरियल एन तक यहाँ प्लस में है और वन से लेकर फैक्टोरियल एन तक माइनस में है, ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक क्या खत्म हो गया, वन से लेकर फैक्टोरियल एन तक कट गया, वन से लेकर फैक्टोरियल एन तक कट गया, क्योंकि ये पूरा प्लस में था ये पूरा माइनस में था, क्या बच गया बच्चा आपका फैक्टोरियल एन प्लस वन बच गया, तो फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं एन प्लस वन पी एन प्लस वन, क्योंकि हम क्या बताए थे कि अगर फैक्टोरियल एन है तो उसको हम क्या लिखते हैं एन पी एन, थोड़ा देर पहले करके बताए थे बच्चों, तो फैक्टोरियल एन प्लस वन क्या होगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन, मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा गौर से समझ गए बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 8C परपोर्शन चैप्टर से है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, गौर कीजिएगा। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, गौर कीजिएगा फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, जितना ऑब्जेक्ट्स कहता उसे एन मानना है, टेकन 4 एट ए टाइम, जितना बार लेंगे उसको हम आर करते हैं, तो बच्चों एन पी आर का जो फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, पुट कर दीजिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 हो गया, 10 में चला गया 4 6 हो गया, तो बच्चों 6 तक कट जाएगा, क्या बचेगा 10 9 8 7 तक, नहीं समझे तो नीचे लिख देते हैं फैक्टोरियल 6 कर दिए बटे फैक्टोरियल 6 दोनों क्या हुआ कट गया, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो बच्चों इसको गुना कर लीजिएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना कर लीजिएगा वो आपका आंसर होगा। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने आज एक्सरसाइज 8C कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तो बच्चों टिल देन गुड बाय बाय।